संडे है, संडे के बज गए हैं, कितना बजे है, 3:30, 3:30 हो रहा है। हम लोग आज जा रहे हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तो आज वहाँ माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे हर साल जाती हूँ मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, लेकिन इस बार लेट हो गया। आज हम दोनों ही बस जा रहे हैं हम, और हाय बोलो। हेलो। तो आज बेटी साथ में नहीं जा रही, प्रोजेक्ट का काम था उसका, तो अपना बना रही है घर पर। एक मूवी अभी न्यू आई है छपाक, तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डाउनलोड में आ गई है पायरेट बे में, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, अच्छी मूवी है, कल मैंने डाउनलोड करके देखी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। इसको मैंने एक वीडियो बनाया उसका कि डाउनलोड कैसे करते हैं, तो अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं, थिएटर में भी जाने का टाइम अगर नहीं है, तो आप देख सकते हैं। मैंने भी कल देखी है, वैसे उसको थिएटर में ही जाकर देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट अगर स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहुँच करके दर्शन कराती हूँ माता जी के। अमित शाह जी आए हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। राहुल बाबा भी विदेश गए हुए हैं, सदर में ऐसी भीड़ मची हुई है। उनके गहरे कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ममता दीदी अंदर कक्षे में है। इसमें ना दुकानें हम ये देखो अंदर अंदर कर दी है, अब ठीक हो गई है पहले से। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ भी। हुंडई शोरूम में ही खड़े हैं, रास्ते भी पड़ता है, कुछ काम था तो सोचा उसको भी निपटाते हुए चले, तो बात करने गए हुए हैं ये। तो खाली बैठी थी गाड़ी में ही, मैं बैठी हुई तो सोचा आपसे उनसे बात कर लेती हूँ। जब तक घर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, एक तो डुप्लेक्स है तो नीचे के रूम तो में बहुत ठंडक रहती है, तो बाहर कितनी तेज ठंड के टाइम तो बाहर घूमने में बहुत मज़ा आता है। एक तो धूप लगती रहती है और बस ऐसा लगता है कि ठंड में घूमते रहो, और मुझे घूमने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं कहीं ना कहीं जाती ही रहती हूँ, तो वही, बल्कि गर्मी में मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए सारी कसर पूरी कर लेती ठंड में। पता है मुझे, आप लोग को बहुत मज़ा आता होगा ठंड में घूमने के। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, सभी लोग को घूमना पसंद है। कल मैंने दिखाया था शॉपिंग की थी, आज मैं वही बैग लेकर आई हूँ। ये वाला बहुत ही प्यारा बैग लग रहा है मेरे को, इसको पीछे भी टांग सकते हैं, बहुत ही पसंद आया मुझे ये बैग। अगर आप लोगों ने कल की शॉपिंग का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर जरूर उसको देखिएगा। एक और मैंने बैग खरीदा, वो भी बहुत ही प्यारा है।
गद्दी के पालक करते पालक मेथी ये तेवर गांव में पड़ता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। तो ये हम लोग तेवर गांव में हरी हरी सब्जियां दिखी तो हमने सोचा ले लेते हैं कुछ। देखिए गांव है ये खेत है, शहरों में कहां ये सब देखने को मिलता है। मंदिर आ गए यहाँ से प्रसाद ले लेते प्रसाद ले लिया, यहाँ माला मिल रही है। यहाँ जूते चप्पल उतारने का जय माता जी। ठीक है, सजावट बहुत ही सुंदर, यहाँ तो आकर के सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लोग मन्नत के नारियल चढ़ा के जाते हैं, कितने सारे चढ़े हुए हैं मन्नत के नारियल। गाड़ी तो दोपहर 2 बजे चलती है वहाँ से। होशंगाबाद आई थी सुबह सुबह करीब 7 बजे के करीब। यहाँ जिसको जगह मिलती वहीं सब लोग नारियल अपना मन्नत मांग के नारियल लगा देते हैं। हाँ वही तोड़ता ही है ना, वही तोड़ेगा। यहाँ हवन होता है, यज्ञशाला है। ये भंडारा प्लेस है। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, साल में एक बार तो जरूर आती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाऊँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता, इसलिए नहीं आ पाती।